ये पीन वैले के अंदर ही आता है। ये हम लोग आए कुंगरी मोनेस्ट्री है, पीन वैले के अंदर ही आता है एक्चुअली। पीन वैली से नीचे से आएंगे ना तो ये ऊपर की ओर है, नीचे जो रोड जाती है वो नीचे से जो काजा के लिए डायरेक्ट चले जाती है, तो ऊपर की एक रोड आती है जो यहीं तक आती है, वो कुंगरी मोनेस्ट्री के लिए आती है। गेस्ट हाउस है, मोनेस्ट्री है और शानदार व्यू काफ़ी बढ़िया है। खुला है मोनेस्ट्री लोग रहते हो आप लोग यहाँ पे? 80 लोग रहते हैं। ये कितनी पुरानी है ये मोनेस्ट्री, कब बनी है? 2004 में बनी, नई नई बनी है ना? अच्छा, एक नीचे है, दो नीचे है, पुराने बहुत। अच्छा, ये अभी नया बना है ना? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा, नहीं देखा नीचे शायद, ये वाली बहुत सुंदर है। कुछ जा सकते हैं ना, शूट अलाउ है? ठीक है, थैंक यू। काफी लोग हैं, प्लीज रिमूव योर शूज। हाँ, 8th of June 2014 में ये बना है। ऑनेस्ट दलाई लामा इनॉग्रेशन किया था शायद उन्होंने, नहीं। अरे काफ़ी शानदार व्यू है, अब देखता हूँ मॉनेस्ट्री के अंदर विजिट करके। के अंदर गया था तो काफ़ी अच्छा लगा, इसका अंदर कुछ पूजा वगैरह समथिंग कुछ ऐसे हो रहे थे तो अंदर घुसा तो काफ़ी शांति सा था। और मोनेस्ट्री में ऑब्वियसली शांति से रहती ही है ऑब्वियसली। और काफ़ी बना, ये अभी नया नहीं बनी है, 2004 में बनी है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और काफ़ी सुंदर है इसका बाहर का आर्किटेक्चर और अंदर का भी काफ़ी बढ़िया बनाया है इसका। कभी लाइफ में ट्राई करूँगा मोनेस्ट्री वगैरह में रुकने का, इन लोग रहने देते कि नहीं देते वो कंफर्म नहीं है, पता है।
चलते आगे। हो गया मनुष्य तो देख लिया, काफी बढ़िया था। बाढ़ अभी पिन वैली से निकलने के बाद, और ये है धनकर मॉनेस्ट्री का व्यू। इसमें अच्छे खासे कुछ घर है और व्यू भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे हर जगह आप जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको होम स्टे वगैरह मिल ही जाएगा, और होम स्टे के साथ साथ आपको मतलब होम स्टे एक जरिया बन गया लोगों का इनकम की, और अच्छा है लोगों का यहाँ पे स्टे भी हो जाता है। और एक अलग ही तरीके का जो हॉस्पिटलिटी रहती है या फिर लोकेलिटी का जो भी रहते हैं यहाँ पे, खान पान रहन सहन वो सारी चीज़ एक बढ़िया। आप रोड से जब आएंगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, ये इस तरफ पहाड़ के बीच में ये प्लेस है। आगे इस तरफ गाड़ी तो आगे आएगी नहीं, वहीं पे पार्क करके आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करके शायद आना पड़ सकता है। तो ये है धनकर मॉनेस्ट्री का रोड। काफ़ी सारे जब से आया हूँ अलग अलग जगह में देखा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होम स्टे वगैरह, थोड़ा सा कॉमन होता जा रहा है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप किस जगह पर हो। ये होम स्टे, ये पहाड़ पुराने, काफ़ी एक अलग ही तरीके का न्यू लोकेशन दे रहे हैं। इसका दरवाज़ा भी काफ़ी शानदार है ना। बापरे ऐसी ऐसी सड़क है, तरीके का व्यू है। ओह माय गॉड भाई, आप लोग किस स्टॉप में बैठे पता है? काफी बढ़िया टॉप पर बैठे आप लोग। मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी थोड़ा सा टॉप पर जाए। बाप रे, यहाँ से तो पूरी रोड दिखती है। हाइट कैसे पता करेंगे यार?
है जैसे भी है अच्छा लग रहा है भाई लोग काफी बड़े एंजॉय कर रहे हैं। प्लान किया था एक जो आपको ब्रिज बोल रहा था ना मैं मतलब एक झूला जैसे पीनवली में ट्राई किया था एक्चुअली वो लॉक था वो नहीं कर पाया अभी एक और है काजावली रोड में आई थिंक वो हो जाए अभी अपन जा रहे हैं सामने ही है तो अभी उधर के देख लेते हैं कि सही रहेगा। ओ भैया भाई कार रोकी भाई टायर के निशान पे गाड़ी को खींच के मार रहा है। बचपन में छोटे वाली गाड़ी देखे ना कहीं से गुजारे से कैसे गिरता था। तो पता चलती एक्चुअल में क्या था। क्या है भाई इतने सी एक्चुअल में भी देखते हैं पाजी अब जाके देखो ना खींचो उसको देखो फिर आप बोलोगे नीचे जाएंगे आ गई अरे विकास भाई के चेहरे में तो देखो तो चीज है कैसे बैठते हो जरा बता दो भाई रिकॉर्डिंग है ना अरे गोप्रो में कर रहे हैं क्या कैमरा हट दे इनको ये बैठे हैं वही रुक जाना हम लोग आ रहे वाकई में बहुत मजा आया। एक्चुअली ये अभी थोड़ा सा
थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू भैया. आई थिंक ये कासा वाली रोड में ये एक ही है और पीन वाले रोड में एक ही है. तो अगर आप इसी रोड में जा रहे हैं कासा वाली रोड में ऐसे वाली आपको दिखेगी ना तो आप एक बार अगर आपको करना है तो आप एक बार रुक के ज़रूर ये चीज़ ट्राई कर लेना. आपको बहुत मज़ा आएगा. आई थिंक इसके पहले कोई किया होगा मुझे नहीं पता बट काफ़ी मज़ा आ रहा है. अभी चलते वापस काजा की ओर. यार थैंक यू सो मच जो ड्राइवर साहब थे हमारे वो पूरे रस्सी को छोड़े और खींचे अकेले. पानी वानी है तो पानी पिला दो उनको. ये है ऐसे कुछ उनको उनको पिला दो. ये है शानदार नज़ारा.